आरडीए की अनुमति के बिना अनाधिकृत निर्माण पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, भूमि स्वामी का 2019 में दिए गए नोटिस पर ध्वस्तीकरण का आरोप, सिविल लाइन क्षेत्र में पॉलिटेक्निक से आगे चल रहे अवैध निर्माण पर आरडीए का जेसीबी गर्जा और निर्माण को ध्वस्त कर दिया, साथ ही कुछ इमारतों को सील भी किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही जारी है। उसी के तहत थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ताशका में पॉलिटेक्निक के पास अनाधिकृत निर्माण भूखंडीय विकास के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। आरडीए के जारी आदेश में कहा गया कि गाटा संख्या 74, 75, 76, 77, 79 ग्राम ताशका में 2278 वर्ग मीटर के भूखंड पर बिना आरडीए की अनुमति के कच्ची सड़क, दो पार्क व गेट का निर्माण कर लिया गया था और कोई भी स्वीकृत मानचित्र भी नहीं दिखाया गया, जिस पर जेसीबी गर्जी और ध्वस्त कर दिया गया, जबकि मीडिया को बिना इजाजत अवैध निर्माण बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। जबकि प्लॉटिंग करा रहे स्वामी आकाश ने बताया कि ये दादा के जमाने की जमीन है और सरकार के साथ ZA और नॉन ZA को लेकर मुकदमे चले, जबकि 2019 में 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई, उसकी शिकायत भी की थी और 2008 में रेवेन्यू कोर्ट ने जितनी भी शिकायतें खारिज कर दी और ये ऑर्डर किया कि ये जगह हमारी है, जिसको 2020 में रीस्टोर किया गया। फिर शिकायतें हुई और फिरौती मांगी गई, जिस पर RDA ने कहा कि काम रोक दीजिए नहीं तो ध्वस्तीकरण कर देंगे, जबकि देख सकते हैं 1 साल में 1 इंच भी काम या पत्ता नहीं हिला। यहां और सारी फाइलें RDA में ही रोकी पड़ी हैं, पेंडिंग में, उसके बीच में ही ये कोरोना का चल रहा है मामला, लेकिन आज बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बताए ये ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। और पूछने पर ये बताया गया कि मार्च 2019 की जो आपको नोटिस दिया गया था उसके तहत ये कार्यवाही की गई है, कहा जबकि हम गलत नहीं हैं, ये क्यों किया यह RDA बता सकता है, क्योंकि सारी फाइल RDA में जमा है, प्रोसेस में है, जबकि हमने सरकार से ऑर्डर कराया है। आकाश जी, क्या मामला है? ये जो प्लॉट है ये मेरे दादाजी के नाम पे है, दादाजी के साथ उसमें हमारे पुराने मुकदमे चले सरकार के साथ, जिसमें ये हुआ कि ये नॉन ZA के जो रामपुर के मुकदमे हैं उसमें ये कार्रवाई हुई। 2019 में हमसे कुछ लोगों ने फिरौती मांगी 1 करोड़ रुपए की, जिसकी बाकायदा हमने कंप्लेंट करी, उस पर कार्रवाई हुई, नहीं हुई, हमने उसको ज़्यादा कहा। हमारा जो मुकदमा था नॉन ZA का, वो हम रेवेन्यू बोर्ड से, बाकी सारे जो हमारे खिलाफ़ गलत ऑर्डर हुए थे प्रशासन के दब उसमें कुछ लोगों के दबाव में, वो सारे खारिज करते हुए 2008 का जो हमारा ऑर्डर था, जिसमें ये था कि ये जगह हमारी है और हम इसके भूमिधर हैं, वो ऑर्डर को रिस्टोर किया गया 2020 में, फरवरी 2020 में। उसके बीच में जब ये शिकायतबाजी हुई, उसने हमसे फिरौती मांगी, तो उसके बीच में RDA ने 2019 में कार्रवाई करी कि ध्वस्तीकरण कर देंगे, आप काम रोक दीजिए। जैसे आपको मौके पे देख के दिख रहा होगा कि पिछले 1 साल से यहाँ पे एक नया पत्ता तक तो हमने लगाया नहीं है, ना ही हमने कोई काम किया है। बाकायदा हमने RDA में फाइल अपनी जमा करी, उसके उपलक्ष्य में सारी कार्रवाई चल रही है, पेंडिंग है। इस बीच में ये कोरोना काल आ गया और कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई। आज हमें बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, बिना ही कोई प्रायर नोटिस दिए और पूछने पे ये बताया गया कि 20 मार्च 2019 का जो नोटिस था उस हवाले पे हम आपकी ये ध्वस्त करने आए हैं, और उन्होंने यहाँ पे हमारा गेट और गेट के साथ पार्क जिसमें तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, ज़मीन पे ही था वो, जिस पे साजो सज्जा के पेड़ लगे हुए थे, उसको ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। चलिए खैर, नसीब है, किसी का कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी तरफ से कोई, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम गलत नहीं हैं। बाकी RDA बता सकता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब 2019 वाली कोई चीज़ थी जो वो कह रहे हैं कि हमने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, उसके बाद आपने दोबारा, हमने फाइल जमा करी, वो प्रोसेस में चल रही है, एक चीज़ जो पेंडिंग है, उसके बाद कोरोना काल आ गया, उसमें हमारी क्या गलती है? या तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने कोई एक नया पैसा लगाया हो, हमने ना कोई नया पत्ता लगाया हो, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम सरकार के खिलाफ नहीं गए, कुछ नहीं गए, हमने बाकायदा ऑर्डर कराया सरकार से, और आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं है उसकी, RDA कह रहा है, RDA में बल्कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं।